अच्छा देखिए ये देखिए सारा कितना लंबा ड्रेस है ना, मेरे पांव के नीचे आया, सर के ऊपर आ रहा है, सर पे पहनना है, आपने सर पे पहनना है, थोड़ा नीचे कर किया हुआ है उसका, मुझे इसकी तेल है ये स्काई। चलो अच्छा जी हैदर, ये हमारा सीन है, ये वाला हमारा ड्रेस फाइनल हो गया हैदर, हमारा हैदर भी यही पहनेगा, हैदर को भी पसंद, मेरा तो दूसरा है, चलो इतना हैवी नहीं, इतना देखो उद्देश्य मार, बहुत है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, यहाँ पे मम्मा होती तो सदका होता। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और फिट फाट होंगे। मैं हूँ डॉक्टर कंजा हमेशा की तरह आप लोगों के साथ, और अभी आपको जैसे लग रहा होगा कि दैट मैं रेडी शेडी हुई हुई हूँ, लेट मी शो माई कम्प्लीट लुक। तो आई एम वेयरिंग दिस कॉर्ड सेट, ये मैंने लिया था सफायर से, हाँ इट्स वेरी नाइस एंड कम्फर्टेबल। तो अभी सीन ये है कि दैट मैं जा रही हूँ, जैसे कि हमारी बात हुई थी, आपने हमारे लास्ट व्लॉग में भी देखा था कि दैट रजब ने जो है मुझे गिफ्ट किया है एक शूट, इट्स अ ब्राइडल शूट, ठीक है, जो कि है मेरा, माई ग्रूम इज़ गोइंग टू बी द शूट, ग्रूम इज़ गोइंग टू बी हैदर। तो उस उनकी क्लोथिंग की जो है वो फिटिंग के लिए जा रही हूँ मैं बेसिकली, तो हैदर भी होगा वहाँ पे, ऑब्वियसली रजब भी होएगा, उनसे भी मुलाकात होगी, एंड जो ये शूट करवा रही हैं लेडी, उनका नाम है जहरा, ठीक है, उनका जहरा सैलून है एंड का बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो अभी उनसे भी मुलाकात करने जा रही हूँ मैं, और आपकी मुलाकात करवाऊँगी, और फिर जो है वो ड्रेसेस वगैरह जो होंगे, आई गेस उन्होंने मेरा सेलेक्ट कर लिया हुआ है, बट आई ऑब्वियसली आई हैव टू वेयर कि वो फिटिंग वगैरह देख लें, तो वहाँ चलते हैं और आपकी मुलाकात करवाऊँगी जारा से, रजब से एंड हैदर से, और मे बी शेजी भी हो, आई डोंट नो। तो तब तक के लिए आप ऐसा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें, मेरा इंस्टाग्राम डॉक्टर कंजा असगर के नेम से ही है, मेरा हर प्लेटफॉर्म इसी नेम से है। तो चले साथ, लेट्स गो। तो जी जैसे कि मैंने आपको घर से निकलने से पहले बताया था कि मैं आपकी अब मुलाकात करवाती हूँ, जिन्होंने हमारा एक्चुअल में सारा शूट जो है वो अरेंज किया है, मिस जहरा से। अस्सलाम वालेकुम जहरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, आप कैसी हैं? अच्छा पंखा बंद कर, अब ना मेरी थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग भी होती रहेगी, अब जो है ना रजब मेरी ट्रेनिंग करता रहेगा कि दैट क्या क्या मेरी मिस्टेक्स है और हम उनसे सीखेंगे, ऑब्वियसली हमारे सीनियर हैं, हमारे सीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम रजब, इतना लंबा बेटा। अस्सलाम वालेकुम रजब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कैसा रिस्पॉन्स रहा आपके ब्लॉग का? अच्छा सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, आराम आराम से बढ़े हैं। थैंक यू सो मच मेरी जान, रजत फैमिली आप हर जगह सपोर्ट करते हैं, बाकी डॉक्टर साहब आ गए, आपको देख रहे हैं। अच्छा आप मुझे ज्वेलरी दिखा रहे हो, मेरे लिए टाइम निकाला आप लोग आए, और इंशाल्लाह होपफुली बहुत अच्छा शूट होगा, इंशाल्लाह 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 बहुत अच्छा आएगा, और व्लॉग आपको अंदर भी दिखाएगी और मैं भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। अभी निकलने से पहले जो था ना वो यही था, आप पे फोकस था कि दैट वी आर गोइंग फॉर द फिटिंग एंड ऑल दैट, ट्राई चल रहे हैं, जो होगा फाइनल वो आपको शूट वाले दिन लग रहा है। अभी हम ये नहीं दिखा सकते, फिर अभी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हैं, दिखा दो ऑप्शन, दिखा दो अच्छा अगर आगे कलर दिखा दो, हां एंड दिस इज़ माई ऑप्शन राइट नाउ, बहुत हैवी है, चेक दिस आउट, और मैं पहन रही हूँ हील्स नीचे, अब जो है हैदर ने खुद अरेंज करना है अपना सिस्टम, उसने मेरे ये चेक करेगी, ये चेक अच्छा देखिए ये देखिए सारा कितना लंबा ड्रेस है ना, मेरे पांव के नीचे आया, सर के ऊपर आ रहा है, सर पे पहनना है, आपने सर पे पहनना है, थोड़ा नीचे कर, उसका मुंह लेकिन अभी सिर्फ ऑप्शंस में वी हैवन डिसाइडेड येट कि हम शूट पे क्या पहन रहे हैं, फाइनलाइज क्या कर रहे हैं, और अभी उसके बाद जो मेरा शूट वाला ग्रूम है हैदर, उसका भी अभी हम जो है ड्रेस आगे फाइनलाइज करने जाएंगे, तो वो भी दिखाएंगे आपको।
हैदर कैसे लग रहे हैं और क्या हमने उसके लिए फाइनल किया, पैंट शर्ट या फिर सलवार? ज़ारा वाज़ टेलिंग मी दैट आप सलवार कमीज पहनना चाह रहे हैं, ड्रेस कोड या ट्रेंच कोड ऑप्शन है वो हम जाके देखेंगे, कंफर्म करेंगे, कंफर्म बताएंगे, वो भी अच्छा लगेगा। चले अस्सलाम वालेकुम जी, तो अब हम आ गए हैं पोशाक क्लोथिंग, पोशाक क्लोथिंग एंड ज़ारा इज हेयर, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। वहाँ पे जो मैंने आपको एक दिखाई थी वो तो थी ही थी, बट मुझे ये ज़ारा अच्छी लगी है, ये वाली, दिस वन मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, लाइक इट्स द ऑफ वाइट वन विद द टेल। ये एक ना मैंने माहिरा को भी रिसेंटली ये करते देखा है, तो इसमें मैंने अपने आप को फील कर लिया, ओह माय गॉड बहुत भारी है, अभी बहुत भारी है। ये वाला ड्रेस भी दिखाएं। ओके ठीक है, ये मानूर पहन रही है? नहीं मानूर वाला, ये मानूर क्या पहन रही है, अच्छा तो मानूर की क्या लुक हुई, ब्राइडल? नहीं मानूर का वैसे ही फैशन शूट है। अच्छा फैशन शूट है, तो ये हमारी सेकंड मॉडल है हमारे साथ मानूर, बड़ी अच्छी ऑप्शन है सर यार, और मतलब बहुत फिट से हैं। अब हम वो करें ना अभी एक्चुअली, हाँ आप बताओ जॉन साहब कहते हो जी, दिस हाँ तेल है इसका, ठीक है दिस है, हाँ हम ये कर रहे हैं। आई जस्ट लव द ऑफर्ड कलर, आई जस्ट लव द ऑफर्ड कलर, बहुत प्रिटी। मैं वो ट्राई कर सकती हूँ यार? टाइम लग जाएगा यार, वो खड़े हैं बाहर, टाइम लग जाएगा। हाँ तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं। ओके ठीक है डन है, चलो। अच्छा जी हैदर, ये हमारा सीन है, ये वाला हमारा ड्रेस फाइनल हो गया। हैदर भी यही पहनेगा? मेरा तो दूसरा है, जितना बड़ा ये है पता लगे यहाँ पर, उठाओ इतना है भी नहीं, उद्देश्य मार बहुत है, बहुत हैवी है, मैंने उठाया कहते हैं ये जी। तो अब हम आ गए हैं हैदर की और जो है रजब की ड्रेसिंग के लिए, आर्ट शामिल, ये गुलबर्ग में इनकी डिजाइनर शॉप, और अभी अंदर जाएंगे और ट्रायल्स करेंगे दोनों के, और देखते हैं कि दोनों को क्या सूट करता है और उनको उनको क्या पसंद आता है। हैदर तो वैसे कह रहा है कि उसने सलवार कमीज और वेस्ट कोट, और वेस्ट कोट, और रजब कह रहा है कि उसने वो टक्सीडो है उनका, अभी वो फाइनल नहीं किया। ओके ओके गर्ल, ओके शी इज़ रजब गर्ल ना बेसिकली, तो इसलिए तो हेयर वी आर एट शामिल, शामिल नाम है, अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या ट्राई करते हैं भाई हमारे। अब हमारे रजब भट्ट साहब अंदर जा रहे हैं और देखते हैं इनको क्या पसंद आता है, एंड हैदर भी जा रहा है पिक्चर आराम से। सो हियर वी आर, चेक आउट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इनकी ओवरऑल कलेक्शन भी बहुत नाइस है यार, आई जस्ट लव इट, जो है फर्स्ट फ्लोर पे आ गए और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा अच्छी कलेक्शन है जस्ट चेकआउट, मतलब ओवरऑल फुल जो है ना दूल्हा मॉल वाली जो है कलेक्शन है, चेक दिस आउट, ये मैं ओके महानूर पहले, अब देखते हैं जी हैदर को ट्राई करवा रहे हैं या फिर रजब को, लेट्स सी पसंद आते कि नहीं आते। जी इनका सीन है ओवरऑल, और भाई ये चेक करें आप रजब को फुल टाइम, अभी ऊपर वाला सीन ओके हो गया, नीचे वाले भी ट्राई करेंगे या बस ऊपर वाले ही हम ट्राई करेंगे? सब ट्राई करेंगे, ये अभी फॉर्म में आ रहे हैं जी आराम आराम से अपना, ये जो ग्रूम वाले फॉर्म में आ रहे हैं, और भी ट्राई कर सकते हैं हम, लेकिन अभी हम देख रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ पे मम्मा होती तो और सदके उतार उतार के अपने बेटे की फारना था, हेयर वी आर, क्योंकि हमारे बाइसेप्स है ना इसलिए बाइसेप्स ऐसे करें, ऐसे करें ऊपर जा रहा है मतलब इजीली, नहीं नहीं ये तो ट्राई करना है ना हमने, ऑब्वियसली बात है टाइट हो रहा है, बट इट्स लुकिंग नाइस, और नीचे इसकी ब्लैक ही पैंट्स है, क्योंकि हाँ वो ब्लैक है ना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, स्टफ भी बहुत फिट है, हमने मानो अपने
करेंगे। सही हो गया जी। अब जो है बस आगे भाई जब हम आपके आए ना तो आपने हमें डिस्काउंट देना है। वैसे तो नहीं होता डिजाइनर ड्रेसेस का डिस्काउंट, लेकिन आपने हमें देना है। पैंट तो नहीं ट्राई करने की। पैंट तो इसी वेस्ट चेक करता हूं मैं भी। ओ भाई हाँ भाई हैदर हैदर क्या हुआ जरा इधर देखो जरा। हाँ भाई क्या एंट्री मारी आपने ब्रो। थोड़ा थोड़ा खुला हो गया यार, थोड़ा खुला हो गया यार। बहुत प्यारा कर लेते यार कर लेते हैं इसका ना सीन में चढ़ेगा कर लेते हैं। मेरी बात सुने प्रिंस पहने नजर ही नहीं आएगा। इतने आराम से मासूम चेहरा बना के आया वहां से के मतलब खुले हैं यार। इसका नाम है आज से इनोसेंट बच्चा। इसको कुछ नहीं पता। इसको कुछ नहीं पता। सो ये काफी अच्छी लग रही है शेरवानी और मेरी ड्रेस के साथ भी मैच करेगी, ड्रेस वाइट एंड पिंक वन। इसके ऊपर वैसे उसका पता नहीं चला कि साइज वो नीचे वाला खुला है आपका। इसके ऊपर वैसे पहन के नहीं पता चला ना कि नीचे वाला ऊपर का खुला है। बेहतर हो गया, बहुत अच्छा हो गया। स्लीव्स नीचे से शर्ट के बाहर है। हाँ शर्ट के बाहर है। कुर्ता आप एक नंबर छोटा देंगे, बड़ा है। अच्छा वैसे कुर्ता अगर बड़ा है ना नीचे तो प्लीज कोट के नीचे पूरा कवर हो रहा, पता नहीं लग रहा। हाँ पता नहीं चल रहा ना नीचे। अच्छा अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है। और ये जो है रजब उसकी लेते हुए जी। तो हम लोग यहाँ से हो गए फ्री शमील से and now we are heading to some food place maybe probably. वैसे रजब तो कह रहा है उसने कुछ नहीं खाना because he has to go to the gym. वैसे हैदर ही जिम जाता है बट अब देखते हैं कि हम खाना खाने जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। और अभी मैं सड़क पर चल रही हूँ, आई एम ऑन दिस साइड एंड देयर ऑन दैट साइड। तो हम सड़क क्रॉस कर लें कि हमें अपने लोगों के साथ होना चाहिए, सही है ना। तो अब चलते हैं कहीं खाना खाने के लिए। वैसे मुझे भूख नहीं है, माई तबीयत इज़ अ लिटिल बिट ऑफ राइट नाउ, बट फिर भी देखेंगे कुछ शायद खा पी ले क्या। आइसक्रीम खा लूँगी मैं, आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है मेरा। तो जी अब मैं घर आ गई हूँ, ठीक है। और सबको अलाफिस भी हो गया था और जैसे आप लोगों के सामने फिटिंग्स वगैरह भी हमारी हो गई हैं माशाल्लाह से। और अब जो हमारा शूट है वो 1 नवंबर को होगा। ड्रेस आई लाइक इट पर्सनली वेरी मच, अल्लाह करे कि वही वाला फाइनल हो जाए। क्योंकि थोड़ी क्वेरी आ रही थी मे बी द रेड वन और द सिल्वर वन, बट मुझे वो सिल्वर वाला बहुत अच्छा लगा है। इट्स सो नाइस एलिगेंट बट बहुत हैवी है, तो लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, सबके मैं कमेंट्स भी मुझे आ रहे हैं रिसीव, मुझे सबके मैसेजेस भी रिसीव हो रहे हैं और आई एम ब्लेस्ड, आई फील ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्लाह ताला आपके वसीले बना देता है और आपको पता भी नहीं चलता। और या कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल कर लेता है। तो आप लोगों ने गिव अप नहीं करना कभी भी, नेवर गिव अप ऑन अल्लाह ताला और फिर अपनी ज़ात के ऊपर, लेकिन सबसे पहले वही ज़ात आती है क्योंकि उसी ने आपको अर्श से फर्श तक और फिर फर्श से अर्श तक वो सब कुछ उसी ज़ात पाक के हाथ के अंदर है। तो अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है, बल्कि अभी मैंने जो है नफल भी अदा करने हैं शुक्राने के। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट ना होने दूं और आप लोगों का जो प्यार है वो बढ़े टाइम के साथ और आप लोगों के लिए अच्छे व्लॉग्स लेके आऊं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरा वसीला जो बनना था वो रजब फैमिली बन गए, और बल्कि एक मेरे व्लॉग्स में भी आप लोगों ने देखा होगा दैट टाइम भी आई वाज सो डाउन एंड जो भी मेरी रियल इंटेंशंस थी ना वो मैंने उस व्लॉग के अंदर कैप्चर की थी। तो देखिए अल्लाह ताला आपका साथ कभी नहीं छोड़ता और राइट टाइम पे आपको राइट चीज़ मिल जाती है। पहले हाथ पांव मारने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ अपना हार्डवर्क नहीं छोड़ना, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए,
बेबी स्टेप्स ऐसे 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 अल्लाह ताला ना आपके करता जाएगा और आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। तो फिर से तहे दिल से शुक्रिया, सपोर्ट और लव का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू दोज पीपल हु आर एक्चुअली गिविंग मी लव एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट हु आर एक्चुअली गिविंग मी लव फ्रॉम रजब फैमिली। बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। और मेरे साथ रहें, मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें, मुझे और मेरी फैमिली को। और अब तो मेरी रजब फैमिली भी बन गई है ना, तो मुझे बल्कि मैं रजब फैमिली में हो गई हूँ, तो मुझे और मेरी रजब फैमिली को और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।